हेलो हेलो पाइसेस, दिसंबर 2023 आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी राशि पाइसेस है एज़ पर सन साइन, मून साइन, नाम राशि से, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। सब देख लेते हैं क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या चैनल पे न्यू हैं एंड आपको कॉलिंग आई है कि यार ये वीडियो देख लेते हैं, शायद इसमें हमारे लिए गाइडेंस होगी, तो देखते हैं क्या मैसेजेस है। तो ज़रूर इसका कोई ना कोई कारण होता है, तभी इंसान यू नो क्लिक करता है एंड सुनता है। बाकी आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी, कितना आप रेजोनेट होते हैं, क्या आपके लिए संदेश है, क्या गाइडेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड पाइसेस। पाइसेस, सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे कॉम्बिनेशंस आपके लिए आए हैं, सो ये अच्छी बात है। अब देखो, सबसे पहला मंथ की शुरुआत में क्या एनर्जीज क्रिएट होने वाली हैं। सबसे पहला जो एक कप पॉइंट आप लोग के लिए आ रहा है, दैट इज़ दिसंबर मंथ में पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहली चीज़ तो रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स का। अगर आपको यू नो एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं, यू वांट कमिटमेंट, या आप यू नो किसी को पसंद करते हो और उनसे चाहते हो कि बात आगे बढ़े, तो जो भी आपका रिलेशनशिप का स्टेटस है वो एक पॉजिटिव रूप में ग्रो करता हुआ दिख रहा है, अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो आपका माइंडसेट भी ऐसा रहेगा कि यू नो कि मेरे को तो भैया स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए एंड मुझे टाइम पास नहीं करना लाइफ में अभी, ठीक है। तो रिलेशनशिप एक एंगल हो गया। सेकंड चीज़, आपके करियर में स्टेबिलिटी आएगी दिसंबर मंथ में। जॉब नहीं थी, बिजनेस नहीं चल रहा अच्छे से, यू नो मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, वॉट एवर इट इज़, आपका जो भी रूटीन सेटअप है, काम है वगैरह, सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है। हेल्थ अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस तो लाजवाब रहेगा पाइसेस राशि वालों का इन दी मंथ ऑफ दिसंबर में। एंड मैं कहूँगी ना, अगर आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है उतना बढ़िया, तो भैया उसको बढ़िया बनाओ, एफर्ट डालो अपने कॉन्फिडेंस को एकदम टॉप पे लेके जाने का, क्योंकि जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे उतने अच्छा आप धन, पैसा, बरकत एंड ग्रोथ एंड सक्सेस अट्रैक्ट करने वाले हो, सीधी बात है। सो अपने आप को कोशिश करनी अपने आप को और अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव रखने का इन दी मंथ ऑफ दिसंबर। तो आप रिलेशनशिप एंड हर एंगल से बहुत बढ़िया अच्छी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे ना विद दैट। मिड मंथ में थोड़े से इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, पास की कुछ बातों को याद करते हुए दिख रहे हैं, या जैसे मैंने कहा अगर रिलेशनशिप्स में इश्यूज थे तो रिकन्सिलेशन होने के दिसंबर मंथ में चांसेस बने हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ समवेयर आई फील ट्रैवल के भी योग हैं, बट हाँ ये ट्रैवल ऐसा होगा कि जहाँ पर यू नो आपके काम के पर्पज़ से आप जाते हुए देखे जाएंगे, वर्क पर्पज़ से, एंड वहाँ का आपका अगर डिज़ायर है, सेटअप है फॉर गोइंग अब्रॉड, तो उन पेपर वर्क में आपका काम बन सकता है, अच्छा माना जाएगा। ये भी एक एंगल आप लोग के लिए दिख रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट मंथ अच्छा है, मिड मंथ खूब अच्छा दिख रहा है। अब भैया बात कर लेते हैं एंड ऑफ द मंथ में कहाँ जा रही है एनर्जी। सो देखो, खुद ही आप देख लो, कार्ड्स ना ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव एनर्जीज दिखा रहे हैं। नाउ ये है 10 ऑफ कप्स के कार्ड्स विद द हायरोफेंट। ये दो कार्ड्स क्या कहते हैं, ये दो कार्ड्स अपने आप में एक ऐसी खूबसूरत एनर्जीज हैं, बिकॉज एक कार्ड कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है गुड लक, अच्छी फैमिली, सुख, सारा सुख अच्छे से प्राप्त हुआ है, शांति है, पैसा है, जितना है उतने में खुश हैं। कहते हैं जिस इंसान का यू नो अगर धन है तो धन से भी उसको सारी खुशी नहीं मिलेगी, अगर उसके पास रिश्ते अच्छे और पैसा नहीं है तब भी उसको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन एक इंसान के पास में जो भी जितना भी है जैसा भी है, मन अगर उसका पेशेंस है, खुश है, शांत है, मन की स्थिति अगर अच्छी है तो सुख में भी संभाल लेगा, दुख में भी खुद को संभालेगा, क्योंकि जीवन में पैसा एक ही समान रहे ज़रूरी नहीं, रिश्ते लोग एक ही समान रहे ज़रूरी नहीं, परिस्थितियां एक ही समान रहे ये ज़रूरी नहीं पूरे जीवन भर, लेकिन अगर जीवन भर मन को स्थिर रखना आ जाए, जो जैसा जितना है उसमें ही खुशी ढूंढनी आ जाए, फिर तो बात ही क्या है। तो ये आपकी स्थिति बन सकती है इन द एंड ऑफ दिसंबर में, ठीक है। आप
खुश रहोगे, बस एक फ्लो में रहोगे, पॉजिटिव रहोगे। एंड एंड ऑफ द मंथ में आपकी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती हुई दिख रही है, आपको स्पिरिचुअल कनेक्शंस होंगे, आपको आपके गुरु की कृपा या आपको स्पिरिचुअल रहने का मन करेगा, मंदिर जाओगे या कोई बड़े डिसीजन लेने तो आपके बड़े बुजुर्गों की एडवाइस लेनी है चाहिए। या तो ये समझ लीजिए कि आपको अपने जीवन में किसी भी बड़े का या सोच समझ कर एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ज़रूरी है। बाकी डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। दिसंबर मंथ में अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो पोटेंशियल अच्छा, कुछ बड़ा इवेंट होने के बड़े अच्छे चांसेस हैं, ग्रोथ अच्छी है, सक्सेस है एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स है। द बेस्ट पार्ट इज डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। दो, मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से डिवाइन से कनेक्ट करने की कोशिश करो, अपना सुख दुख बता रहे हो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो भैया, मैनिफेस्टेशन को मानते हो, जो भी करो अपनी तरफ से वो दृढ़ विश्वास, वो भरोसा होना चाहिए कि भाई मेरे मन में ये बात है, मैंने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया, अब संभाल लेंगे। दैट्स द बेस्ट पार्ट यू कैन डू पाइसेस, एंड वो चीज़ आपको और सक्सेस और पीस ऑफ माइंड और खुशी देगी। सो कहीं ना कहीं खुद ही आप देख लो मैं क्या कहूँ, यू नो पाइसेस क्या कहूँ, सभी कार्ड्स अपने आप में आपके साइड पे हैं, तो भैया हम वो ही डिलीवर कर रहे हैं मैसेजेस, ठीक है। अब आगे गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो चलो एंजल मैसेजेस ने भी अपने फूलों की कृपा आपके ऊपर कर दी और कह दिया कि चलो रोमांटिक लाइफ भी बेहतर होने वाली है। सो एज आई सेड, यू नो डिपेंड्स, अगर आप सिंगल हो तो मिंगल हो सकते हो, रिलेशनशिप का जो भी हो, समथिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, ठीक है। नाउ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच जो सेकेंड कार्ड है, ये एक अपने आप में एक ऐसा कार्ड है जो अगेन यू नो एरीज का ही एनर्जीज है, फुल मून इन एरीज वाइब है। ये वाइब अपने आप में ऐसी कि अब आपकी शक्ति, आपका फोकस, आपका गोल कुछ ना कुछ बढ़िया अट्रैक्ट एंड मैनिफेस्ट करने पे है। तो यूनिवर्सल एनर्जीज, टैरो की एनर्जीज, एंजल्स एनर्जी, सब कुछ कहीं ना कहीं लव एंगल बैलेंस लाने में एंड आपके काम के मेंटल एंड इमोशनल, सिंपल भाषा में कहूँ तो मेंटल स्थिति, इमोशनल स्थिति, करियर एंगल एंड लव एंगल मोस्टली बैलेंस चलता हुआ दिख रहा है। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट, पाइसेस बाय डिफ़ॉल्ट आपकी लाइफ में रिसेंटली कुछ बहुत ही अनवांटेड करियर में कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं एकदम से, एंड फ्रॉम सिक्स मंथ से अगर ये हो रहा है तो एकदम से दिसंबर में झटक से सही हो जाएगा, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, बट येस ये आप एश्योर रह सकते हो कि दिसंबर मंथ इज़ द मंथ ऑफ हीलिंग, पॉजिटिव वाइब्स एंड बहुत हाईएस्ट पोटेंशियल है कि जो भी आप अपने लाइफ का जो एंगल सही करना चाहते हो, शायद भगवान वही कृपा देकर आपको आपका वो काम बना दे, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत हाईएस्ट रहेगी, आगे ऊपर वाले की मर्जी क्या कहते हैं क्या होता है। सो यस पाइसेस, ये थी आप लोग के लिए एनर्जीज पर ध्यान रखना। जो मैंने ना पूरी रीडिंग में जो भी मैं बातें बोलती हूँ उसके ऊपर आपको भी काम खुद करना पड़ता है। हम तो आपको जो कुदरती संदेश एनर्जीज आसपास बनी रहेंगी वो बताते हैं, बट आपने भी अपनी तरफ से कोशिश अच्छी करनी है ना। जैसे भगवान तो दुनिया में फल फ्रूट हेल्दी सब्जियाँ सब दे रहा है, अब इंसान ही जा जाके जंक फूड खाई जा रहा है तो उसमें भगवान क्या करे बताओ। ऐसे ही भगवान आपके पास अगर अच्छी चीज़ें भेज रहे हैं उसके बावजूद आप नेगेटिव चीज़ों पर खुद फोकस अगर कर रहे हो तो इसमें अब यूनिवर्स और भगवान क्या करेंगे। तो ऐसे आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, ठीक है। सो आई होप माई डियर पाइसेस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू।